वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। ब्रेक के बाद आए हैं और आज जब भी हम आप इस सेगमेंट में आपकी सेहत के हवाले से बात करने वाले हैं। जनाब, एनीमिया बेसिकली है क्या और डाइट के जरिए इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है? आपकी डाइट कितनी अच्छी होनी चाहिए? डाइट हर सिचुएशन में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों में इवन ख़वातीन में एनीमिक होने के बहुत ज़्यादा रिस्क भी होते हैं। क्या वजूहत है, होता क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास डाइटिशियन मौजूद हैं सिद्रा इम्तियाज, उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सिद्रा, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो सिद्रा, मैं ये जानना चाहूँगी एनीमिया बेसिकली है क्या? एनीमिया का मतलब है कि खून की कमी। अब एनीमिया जो है वो मुख्तलिफ तरह से होता है। एक आमतौर पर हम आयरन डेफिशेंसी को एनीमिया समझते हैं, इसके अलावा वाइटामिन B12 की कमी से भी जो है वो एनीमिया होता है। सो हमारे यहाँ ये है कि आमतौर पे बच्चे और जो ग्रोइंग लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह जो है वो डिफरेंट है। बच्चों के अंदर जैसे हम बात करते हैं तो आमतौर पे 6 मंथ्स के बाद अगर प्रॉपर वीनिंग ना स्टार्ट की जाए वो एक फैक्टर होता है कि एनीमिया कॉज कर सकता है। यहाँ पर बच्चे होते हैं उनको हम सिर्फ दूध ही पिलाते रहते हैं और कोई चीज़ खास ठोस गज़ा नहीं देते या ऐसी चीज़ें नहीं खिलाते जिसके अंदर आयरन हो। सो वो जो है वो एनीमिया का बायस बनता है। इसके अलावा आयरन क्योंकि हमारे मीट वगैरह की चीज़ों से मिलता है, दालों वगैरह से मिलता है, अगर हम बच्चे को सिर्फ दूध ही पिलाते रहेंगे, अक्सर माएँ ये करती हैं, हम ये समझते हैं कि जी दूध जो है वो मुकम्मल गज़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ दूध के ऊपर नहीं बच्चे को रखना। अगर 1 to 5 ईयर्स के बीच में बच्चा रोज़ाना 24 ounces से ज़्यादा सिर्फ दूध पीता है सो वो आयरन डिफिशेंसी के रिस्क के ऊपर होता है कि मतलब उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि आयरन डिफिशेंसी हो सकती है। सो हमें ये कहना चाहिए कि बच्चों की एक तो प्रॉपर 6 मंथ्स के ऊपर उनकी वीनिंग स्टार्ट कराई जाए और इसके अंदर हमने आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स देने या गोश्त वगैरह देने हैं तो प्यूरी फॉर्म में हम उनको गोश्त खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर दालें हैं तो दालों में भी आयरन है लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का आयरन नहीं होता है, मतलब उसको हमें चाहिए कि दाल को भी थोड़ा सा गोश्त में मिक्स करके कोई शामी सा बना ले, इस तरह का। ठीक हो गया। अच्छा सदा, एनीमिक आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं, बच्चे स्पेशली इवन खवातीन, आप उनकी भी बात कीजिए तो क्या वजूहत है कि रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है? बेसिकली हमारी डाइट ही इतनी प्रॉपर नहीं होती है कि हम मतलब हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं ना कि 5 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं, तो हम पाँचों ग्रुप्स में से जितनी रिकमेंडेड अमाउंट है फूड की वो नहीं लेते। या तो फिर हम सिर्फ सब्जियाँ ही खाते हैं तो सिर्फ सब्जियाँ ही खाते रहते हैं या सब्जियां तो हर काम ही है, इसके अलावा गोश्त है तो सिर्फ गोश्त ही, मतलब हम प्रॉपर डाइट को जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, आपने हर फूड ग्रुप में से मुनासिब मकदार लेनी है। इसके अलावा ये है कि फीमेल्स के अंदर एनीमिया की वजह एक ये भी है कि आप मंथली ऑब्वियसली आपका आयरन लॉस हो रहा होता है, सो उसके लिए हमें फीमेल्स की आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। ठीक हो गया। अच्छा, डाइट प्रॉपर अभी आपने कहा होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इवन बच्चों से लेकर, हम पहले बच्चों से डिस्कस करते हैं फिर हम थोड़े एल्डर्स पे आते हैं, क्या एक प्रॉपर डाइट है? आपने दूध तो दिया लेकिन उसके साथ वीनिंग आपने कहा ठोस खजा देनी है, गोश्त, एक टाइम टेबल या कुछ इस तरह का पैटर्न जो उनकी डाइट का होना चाहिए? हमारी 5 फूड ग्रुप्स में आता है कि एक सीरियल का ग्रुप होता है जिसके अंदर रोटी चावल और ये सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं, दूसरा है फ्रूट्स का ग्रुप है, तीसरा है सब्जियों का, देन गोश्त और फिर दूध और इस तरह दूध से बनी हुई चीज़ें। हमें इन सब के अंदर से जितनी जितनी आपकी उम्र के हिसाब से सर्विंग होती है वो ली जानी चाहिए। अगर वो कोई एक हम ग्रुप जैसे आजकल अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है कि कीटो डाइट फॉलो करते हैं वज़न कम करने के लिए, या हम बनाना डाइट पिछले दिनों ट्रेंड था, सो इस तरह ये वाली जब हम डाइट्स के ऊपर जाते हैं तो ये बैलेंस नहीं रहती। सो ये इवेंचुअली शुरू में तो आप वेट कम कर लेते हैं लेकिन बाद में वो नज़र आ रहा होता है कि क्या है। सो हमें वज़न कम करने के लिए भी बैलेंस डाइट जो है उसी को ही लिया जाना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि डाइट में क्या क्या कुछ होना चाहिए तो दूध उनके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ दूध ही नहीं बाकी चीज़ें भी जो हैं आप उनको दें। 6 मंथ्स के ऊपर आप उनको गोश्त को प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं, इसके अलावा अगर आपने बीन्स वगैरह हैं उसको मैश करके उस तरह से दे सकते हैं, दालों के अंदर हल्का सा शामी बना के दे दें। अंडा दिया जा सकता है बच्चों को, लाइक 6 मंथ्स के ऊपर तो नहीं क्योंकि अंडे की जो अंडे से अक्सर एलर्जी भी हो जाती है, तो थोड़े से मतलब हमें हर चीज़ जो है बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता से इनकॉर्पोरेट कराने की डाइट। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने बोला कि कीटो डाइट और इस तरह की बहुत सारी डाइट जो खवातीन करती हैं, वह लड़कियां करती हैं, इनसे भी खून की कमी जो है वो भी हो जाती है? ऑब्वियसली बैलेंस डाइट तो नहीं है, कीटो डाइट में ये है कि आपका फैट का इंटेक ज़्यादा होता है,
सो हर चीज़ जो है वो इवेंचुअली आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी अगर वो बैलेंस नहीं होगी. इवन अगर हम हेल्दी चीज़ों की भी बात करते हैं, हेल्दी चीज़ भी अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा लेते हैं तो इवेंचुअली अच्छी चीज़ का भी नुकसान ही हो रहा होता है. सो हमें मॉडरेशन के अंदर जो है वो जाना चाहिए. बैलेंस डाइट, अभी आपने बोला कि 5 जो है वो फूड ग्रुप्स हैं, इवन बड़ों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जिनके जो बच्चे हैं वो भी एनीमिक पैदा हो रहे हैं, उनके लिए किस तरह की डाइट आप रिकमेंड करेंगे? प्रेगनेंसी के दौरान जैसी आपकी डाइट होती है डेफिनेटली उसका अफेक्ट आपके बच्चों के ऊपर आता है. क्योंकि हम आयरन डिफिशेंसी की बात करें तो आप बच्चा जब पैदा होता है तो 6 मंथ्स के स्टोर्स जो हैं उसकी बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब आयरन के स्टोर्स. इसके बाद जो है हमें उसको ठोस गज़ा खिलानी चाहिए. अगर मदर खुद एनीमिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चा जो है वो जो पैदा होगा उसके अंदर भी आयरन की जो स्टोर्स हैं जो कि 6 मंथ्स के लिए होते हैं वो भी इनसफिशेंट होंगे. सो मदर की डाइट अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर नहीं होगी तो इवेंचुअली बच्चा ही अफेक्ट करेगा. और दूसरा ये है कि जैसे कैल्शियम की कमी होती है तो अगर बच्चे मदर प्रेगनेंट फीमेल्स की डाइट में कैल्शियम नहीं है प्रॉपर तो इवेंचुअली क्या होगा कि मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान की खुद हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी क्योंकि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो मदर से उसको चली जाएगी. सो मदर्स को खास तौर पे अपनी डाइट का आमतौर पे भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए. सो आयरन डिफिशेंसी के हिसाब से जो है आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिसके अंदर आ जाते हैं गोश्त आ जाता है, दालें आ जाती हैं, लोबिया में होता है आयरन और इसके अलावा चनों में होता है. लेकिन जो हमें प्लांट सोर्सेस आयरन मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का आयरन नहीं होता, मतलब नॉन हीम आयरन है. बेसिकली ही आयरन की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक है हीम और एक है नॉन हीम. हीम से मुराद ये कि जितना भी हम एनिमल सोर्सेज से लेते हैं वो हीम आयरन है, और जबकि नॉन हीम का मतलब है जो प्लांट सोर्सेज से मिलता है जैसे दालें आ गई ये सारी चीज़ें. लेकिन नॉन हीम आयरन जो है वो इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आयरन नहीं होता. सो हमें उसको अच्छा बनाने के लिए करना चाहिए कि उसके साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करें. जैसे आपने कभी दाल वगैरह या कोई और चीज़ चने खाएँ तो उसके अंदर एक तो कोशिश करें कि आप गोश्त थोड़ा सा ऐड करें, दूसरा ये करें कि विटामिन सी वाली चीज़ खाएं. मतलब आप उसके बाद स्कंजबीन का ग्लास ले सकते हैं या आप कोई फ्रूट ले लें सिट्रस, उसके अंदर भी विटामिन सी होता है. दूसरा हमारे यहाँ चाय का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम आमतौर पर बच्चों को भी इवन फीडर्स में डाल के चाय दे रहे होते हैं. ये तो पता नहीं रोजाना मुझे ये समझ से बाहर है कि बच्चों को फीडर में चाय देने का क्या, चाय मदर्स दे देती है, बच्चा मांगता है कि चलो जी दूध तो जा रहा है ना. चाय के अंदर ये है कि वो टैनन्स होते हैं जो कि वैसे भी कैल्शियम का भी जो है वो उतनी अफादियत नहीं रहती है जो अगर हम चाय बना लेते हैं. सो बच्चों को चाय की आदत ना डालें. इवन बड़ों के अंदर भी अगर आपने चाय पीनी है तो खाने के साथ नहीं होना चाहिए. जैसे हम नाश्ते के अंदर, नाश्ता हमारा इनकम्प्लीट होता है अगर चाय ना हो. हम तो नाश्ते से पहले भी चाय पी लेते तो हो सकती है चाय ले सकते हैं आप, लेकिन कोशिश ये करें कि मील के साथ ना लें. मतलब अभी आपने खाना खाया साथ ही अगर आप चाय लेंगे तो चाय में जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में नहीं होने देती. सो अगर आपने कोई गोश्त खाया है या आयरन वाली चीज़ खाई है तो आप कोशिश ये करें कि साथ में चाय ना पिए और बच्चों को चाय की आदत ना डालें खास तौर पे. ठीक हो गया. अच्छा, हमारे बच्चों में एनेमिक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो डाइट के प्रॉब्लम में जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किस हद तक उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती है? आप ये देख रही हैं कि आजकल बच्चों में इतने मोटापा, पहले तो हम बड़ों में देखते थे जी मोटापा है, लेकिन अब छोटे बच्चे इतने ओबीस होते जा रहे हैं. उसके अंदर मेजर एक तो फैक्टर ये है कि जो होम डिलीवरी सिस्टम है ना, कि आप फ़ोन करते हैं तो आराम से घर में चीज़ें आ जाती हैं. पहले होता था कि जी हमें मेहनत करनी पड़ती थी और फिर किसी बहन भाई अम्मा अब्बा का कहना पड़ता था कि अच्छा खाना खाना है ले जाएं या ले आएं. अब तो बहुत आपकी क्लिक पर है, अम्मा अब्बा ना भी हूँ तो हम बॉदर नहीं कर रहे, आराम से जो है जी घर में आ जाती हैं सारी चीज़ें. सो ये डेफिनेटली मोटापा कॉज कर रहा है सारे फास्ट फूड. और मोटापा इज़ यू नो बहुत बड़ी रीज़न है मुख्तलिफ बीमारियों की बच्चों के अंदर. अब वही बच्चे छोटे बच्चों के अंदर भी हमारा, पहले हम सुनते थे कि बुढ़ापे में, चलो बड़ी उम्र के तो समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका जो है वो मैनेज नहीं रहता है. अब 30 ईयर्स, 25, 22 के अक्सर लड़कों के अंदर जो है वो हाइपरटेंसिव हैं, मतलब ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहता है. तो इतनी एज के अंदर ये सारी बीमारियाँ होनी नहीं चाहिए जो कि हमारे फास्ट फूड से जो है वो अब कॉमनली छोटे बच्चों में भी होती जा रही है. अच्छा, एनीमिया की बात करें तो किस एज ग्रुप में इसके रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है? एक तो यू नो इन्फेंट्स के अंदर, इस लिहाज से कि अगर हम उनको प्रॉपर वीनिंग ना स्टार्ट करें, वीनिंग से मुराद ये कि ठोस गज़ा जिस वक्त पे देनी चाहिए और क्या देनी चाहिए अगर हम वो प्रॉपर नहीं रखते हैं तो इन्फेंट्स जो हैं वो एट रिस्क होते हैं. इसके अलावा लड़कियों के अंदर जो ग्रोइंग ईयर्स में फीमेल्स होती हैं उनके अंदर आयरन डिफिशेंसी का काफ़ी रिस्क है. और डेफिनेटली इसके बाद मेल्स के अंदर इतना ज़्यादा आयरन का वो नहीं होता है. दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका आयरन लॉस हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है
जैसे लाइक किसी भी तरह से हो सकता है, कोई बीमारी के अंदर आप खून का ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इवेंचुअली आपका आयरन डेफिशिएंसी जो है वो एनीमिया हो सकता है. हो सकता है, ठीक हो गया. हमारे साथ कॉलर है आयशा, अस्सलाम वालेकुम. सलाम. मेरा ये गेस्ट पे ये सवाल है कि जो आयरन की टैबलेट्स होती हैं उससे क्या खून की कमी पूरी हो सकती है? और जो आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या इफेक्ट्स हैं हमारी सेहत पर? ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आयशा जी. अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा आयरन डिफिशेंट है तो हम सिर्फ डाइट से उसकी आयरन को सही नहीं कर सकते हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एक तरह का इंडिकेट करता है कि आपको आयरन डिफिशेंसी है. सो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको सप्लीमेंट सी जो है वो लेने पड़ता है. तो सप्लीमेंट्स के अंदर डेफिनेटली हमारी खुराक में इतना ज़्यादा आयरन उतना नहीं होता है जितना कि हमें सप्लीमेंट से हासिल होता है. सो सप्लीमेंट भी हमें आयरन का जो है वो एम्प्टी स्टमक लिया जाना चाहिए. लेकिन बाज़ुकात लोगों में ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स कॉज करता है, कई लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, वॉमिटिंग होती है या स्टमक अपसेट रहता है. सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आयरन डिफिशियंसी के क्या सिम्टम्स क्या हैं? क्या आप एनीमिक हो रहे हैं या एनीमिक हैं? क्या इसके सिंबल्स या कह लें साइंस हैं, सिम्टम्स हैं? जी, एक तो ये है कि आपकी अगर बच्चों में है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं रहती, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन कम हो जाता है. मतलब ये कि अगर आप उन्हें पढ़ाने पर लिखा रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा. लर्निंग एबिलिटीज़ अफेक्ट होती हैं. अगर बच्चों के ग्रेड्स पहले बड़े अच्छे थे लेकिन वो ऐसे ऐसे बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं करे, सो ये है. या इसके अलावा बच्चे बाज़ुकात ये करते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खा रहे होते हैं, मतलब मट्टी खा रहे होते हैं या और इस तरह आमतौर पर बर्फ़ भी जो है वो ले रहे होते हैं. सो जब आप इस तरह की चीज़ें आप देखें कि बच्चे मट्टी खा रहे हैं या रेत खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो आयरन डिफिशेंसी है. और इसके अलावा ये होता है कि बाल पतले हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, नाखून कमज़ोर हो जाते हैं, या आपकी हार्ट बीट अक्सर तेज़ रहती है और सांस लेने में मुश्किल होती है. ये सारी जो है वो सिम्टम्स हैं कि आप में आयरन डिफिशियंसी. दूसरा ये कि देखने में भी हमें नजर आ जाता है कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा येलोइश पेल कलर है तो आयरन डिफिशिएंट है. अच्छा, ठीक हो गया. हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि असल में हमारे कुछ रिश्तेदार है, मेरे मामू का जो बेटा है सारा जी, उनका एक बच्चा है, वो डॉक्टर कहते हैं कि पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो सकता, अगर बाहर भिजवाएं तो उधर खर्चा बहुत ज्यादा आता है. क्या प्रॉब्लम बच्चे को, क्या प्रॉब्लम है? एनीमिया. एनीमिया है उसको? और एज कितनी है बच्चे की? तकरीबन 3 साल तक होगी. 3 साल का बच्चा है. सिद्रा, आप कोई सवाल करना चाहती है? इस तरह की चीजें खाता है वो, कि जैसे मट्टी खाता हो या आप देखते हैं कोई और पेपर खाता है, इस तरह की चीजें करता है वो? नहीं, मैम इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. असल में हम उनको अब हर महीने वो खून देते हैं, खून के भी बहुत बड़ा मसला होता है उसको. आप ही बताएं, उसको थैलेसीमिया है, ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, आपको डॉक्टर ने बताया? ये खून की बीमारी है असल में, मेरे ख्याल में थैलेसीमिया या इनमें से. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अब्दुल हकीम साहब, बहुत शुक्रिया जी. एनीमिया जो है वो इस तरह की बीमारी तो नहीं है कि जिसका इलाज नहीं कर सकते. बेसिकली ये है कि उनको यकीनन शायद नहीं पता चल रहा है कि क्या बीमारी का नाम है, लेकिन ये है कि एनीमिया, अगर आप आयरन डिफिशिएंट हैं या आपको एनीमिया है तो आप आराम से भी सप्लीमेंट्स लेते हैं. अच्छा, ये 3 साल का बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है. हाँ, तो बच्चों में भी डेफिनेटली हो सकता है एनीमिया, लेकिन इनको यकीनन कोई और ब्लड का इशू होगा साथ में. सो ये है कि हमें एनीमिया बच्चों में हम बात कर रहे थे, जैसे कि आप और नॉन न्यूट्रिटिव चीजें खाते हैं, मट्टी वगैरह खाते हैं तो आप आयरन डेफिशिएंट होते हैं. सही है. सो हमें बच्चों की डाइट, यानी बच्चों बचपन से ही हम उनके हेल्दी हैबिट्स की आदत डालेंगे तो बाद में भी हैबिट्स हैं वो अच्छी रहेंगी. अच्छी रहेंगी. अच्छा सिद्रा, एनीमिक जो बच्चे हैं या जितने भी लोग हैं उनकी एक प्रॉपर डाइट जैसे आपने बताया कि होनी चाहिए पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेकिन समटाइम्स एनीमिया जो है दीगर बीमारियों की तरफ भी लीड कर जाता है, बच्चों में भी इवन एल्डर्स में भी. क्या वो बीमारियां क्या हैं बेसिकली जिनसे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ये है कि डेफिनेटली अगर आप में आयरन डिफिशेंसी है तो आप, एक तो ये है कि कोई चीज़ काम भी करेंगे तो आपको थकावट महसूस होगी. आमतौर पे हम अक्सर देखते हैं कि हम इतना वीक, हालांकि अभी सो के रात को उठें, लेकिन सुबह उठते साथ ही आपको लगता है कि जी कमज़ोरी है या आप थकावट सी महसूस हो रही है, तो वो भी एक आयरन डिफिशेंसी का सिम्टम है. सो आयरन डिफिशेंसी के अंदर हमें करना क्या है? नंबर वन ये चीज़ है कि नाश्ता अपना प्रॉपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन हम बच्चे आमतौर पे देखते हैं कि आयरन लाइक नाश्ता प्रॉपर नहीं ले रहे होते,
سو بچے کی ڈائٹ کے اندر آپ روزانہ صبح ناشتے کے اندر ایک انڈا دیں ساتھ میں کوئی یا پھر سیریل لیا جا سکتا ہے, ملٹی گرین بریڈ رکھی جا سکتی ہے اور ایک دودھ کا گلاس لیں, چائے وغیرہ جو ہے وہ نہ لیں. دوپہر کے اندر کھانے میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک کاربوہائیڈریٹس کا سورس ہونا چاہیے, پروٹین ہونی چاہیے. دوپہر اور صبح ناشتے کے بیچ میں آپ اسنیکس کھا سکتے ہیں, اسنیک میں کیا ہے آپ نے کوئی فروٹ لیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ فزیکلی ایکٹیو بھی نہیں ہوتے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو صرف وزن کم کرنے کے لیے نہیں, آپ کو ویسے بھی بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے اگر آپ ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں, اگر جن جوائنٹس کو ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے سو اس میں سے کیلشیم کا لاس ہوتا رہتا ہے ہماری ہڈیوں میں سے. سو ہمیں فزیکلی ایکٹیو ہونا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا کون سے سیزن فروٹس ہیں یا فروٹس یا ویجیٹیبلس جو خون کی کمی پورا کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں؟ فروٹس اور ویجیٹیبلس سے ہمیں عام طور پہ اتنا زیادہ آئرن نہیں ملتا, صحیح. اکثر ہی بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا میں آ رہا ہوتا ہے کہ لال چیزیں جو ہیں وہ آپ کھائیں, سیب میں کہا جاتا ہے آئرن ہوتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں روز صبح سیب کھائیں, لیکن اس دن بھی کوئی نیوٹریشن صحیح چیز ہے کہ سیب میں اتنا آئرن نہیں ہوتا, سیب میں اتنا آئرن نہیں ہوتا. ہاں اور اکثر یہ دیکھیں نا آپ کہتے ہیں کہ جی بیٹ روٹ اور سیب کا جوس بنا کے پئیں تو آپ کا آئرن کی ڈیفیشنسی ساری ختم ہو جائے گی, لیکن ہمیں آئرن جو ہے وہ بیسیکلی گوشت سے ہی ملتا ہے یا اور ہمیں دالوں وغیرہ سے ملتا ہے, سیب سے اور اس طرح کی چیزوں سے, ہر ریڈ سبزی سے ہمیں آئرن نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ گوشت جتنا اگر ریڈ ہے جیسے مٹن ہے یا بیف ہے وہ زیادہ ریڈ ہے تو اس کے اندر زیادہ مقدار میں آئرن ہوتا ہے. اسی طرح سے چکن یا برائلر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیسی گھی, دیسی جو چکن ہے اس کے اندر کمپیریٹیولی آئرن تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ ریڈ ہے. سو گوشت اینیمل سورسز میں جتنا زیادہ ریڈ میٹ ہوگا وہ آئرن میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کلیجی وغیرہ میں زیادہ آئرن ہوتا ہے تو بچوں کو کلیجی بھی دینی چاہیے. اچھا کلیجی بھی دینی, سو چاہے آپ مٹن کی بیسیکلی دیں, چکن کی آبویسلی ذرا. اچھا چکن کی آپ نے بات کی, اسی طرح چکن کا استعمال بہت زیادہ ہے, یہ کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک نہیں ہے؟ چکن کا استعمال وائٹ میٹ ہے سو اچھا وہ پروٹین کا سورس ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل چکن ہی ہونا چاہیے ڈائٹ میں. آپ مچھلی کبھی لے سکتے ہیں, تھوڑا چکن لے لیا, کبھی انڈا کھا لیا, یا دالوں میں اگر آپ نے پکانا ہے تو دالوں میں ہلکا سا چکن ڈالیں. مطلب کوشش یہ کریں کہ سبزیاں بھی اگر آپ نے لینی ہے تو اس کے اندر ہلکا سا گوشت ڈالیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف کھانے میں صرف یہاں تو گوشت ہی گوشت ہوتا ہے اور سبزی عام, مطلب لائک ہم گوشت زیادہ کھاتے ہیں. سو یہ کرنا چاہیے کہ جس دن سبزی پک رہی ہے اس کے اندر بھی آپ تھوڑا سا گوشت ایڈ کریں تاکہ اس کا جو نان ہیم آئرن ہے, جو اچھی کوالٹی کا آئرن نہیں ہے, اس کی ابزارپشن باڈی میں بڑھ جاتی ہے اگر آپ گوشت کے ساتھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو دالوں وغیرہ کے اندر بھی اگر آپ نے, جیسے حلیم ہے تو بہت اچھا آئرن کا بھی سورس ہے, پروٹین کا بھی اچھا سورس ہے کیونکہ اس کے اندر صحیح کمبینیشن میں چیزیں, دالیں بھی ہیں اور میٹ بھی ہے, میٹ بھی ہے. صحیح ہو. سدرا آج کے ٹاپک کے حوالے سے کوئی میسج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ میسج ایک تو یہ دینا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے اس لحاظ سے کہ گوشت بھی آپ نے کھانا ہے, سبزیاں اگر پکانی ہیں تو آپ سبزیوں کے اندر تھوڑا سا گوشت ڈالیں, مطلب بجائے کہ آپ ایک دن صرف خالی گوشت کھائیں, اگلے دن آپ اسی طرح پھر گوشت کھائیں. تو کوشش یہ کریں جس دن سبزی بھی پکی ہے تو آپ اس کے اندر گوشت ایڈ کریں. ایک دن میں کھانے کے نسبت میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ پورے ہفتے کھائیں لیکن تھوڑی مقدار کے اندر کھائیں. چائے وغیرہ آپ نے خود بھی نہیں پینی ہے اور نہ ہی بچوں کو پلانی ہے, اگر لینی ہے تو آپ کھانے کے ساتھ نہیں, اس سے ایک دو گھنٹے پہلے لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سدرا, بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے انیمیا کے حوالے سے, انیمک بچوں کے لیے جو بھی ڈائٹ ہے اس حوالے سے ہمیں بتایا. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمیں اور بھی مہمان جوائن کرنے والے ہیں, آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.